हाय फ्रेंड्स, मु पपुन आपको स्वागत करुच्ची फाइंडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को। तो ये रोचे आप फार्मासिस्ट एमसीक्यू रो वीडियो नंबर 16 और आज देखिए आम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रो किछटा एमसीक्यू। तो वीडियो को कंप्लीट होर देखंतु जदि चैनल को नुआ आछंती एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन पर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को मध्य ऑन कर दियंतु। समस्त जॉब नोटिफिकेशन अपडेट ट्यूटोरियल सहित फार्मासिस्ट एमसीक्यू मध्य आपन माने एही चैनल माध्यम रे पाई पारिबे। तो चलो तो देखिए आज फार्मासिस्ट एमसीक्यू सब कौन रोज वीडियो नंबर 16 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कौन रोज देखो अनकैलिब्रेटेड बैलेंस इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स और प्रिपेयर स्मॉल फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कहवा पर्सनल एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर एडिटिक एरर एक्सीडेंटल एरर। तो राइट आंसर आप इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल एरर इज ए पर्सनल एरर आपंकर कौन डिटर्मिनेट एरर इनडिटर्मिनेट एरर एक्सीडेंटल एरर नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर रहउछि आपंकर डिटर्मिनेट एरर ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन सिस्टमिक एरर इज आल्सो नोन एज नॉन सिस्टमिक एरर को हम आउ कौन कहि परिबा डिटर्मिनेट एरर इनडिटर्मिनेट एरर एक्सीडेंटल एरर नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर रहउछि इनडिटर्मिनेट एरर नॉन सिस्टमिक को इनडिटर्मिनेट एरर हमें कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड मेजर रिजल्ट गिवन रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर रहउछि आपनकर मेजर रिजल्ट फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर अरेज ड्यू टू द इंडिविजुअल एनालाइज्ड इज रिस्पांसिबल फॉर देम error arises due to the individual analyzed is responsible for them personal error random error instrumental error proportional error। तो राइट आंसर आपमर कोन हबो ऑप्शन देखंतु पर्सनल एरर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल आर सोर्स ऑफ इंप्योरिटी एक्सेप्ट ए जहाबे आपमर रहउछि सब इंप्योरिटी रो सोर्स कोन गोटे नहे ऑल आर सोर्स ऑफ इंप्योरिटी एक्सेप्ट मटेरियल्स एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चर method or the process used in manufacture storage condition proper washing। तो राइट आंसर आपनर कोन ऑप्शन देखंतु फोर प्रॉपर वेजिंग आपन होसी ऑल आर सोर्स ऑफ इंप्योरिटी एक्सेप्ट प्रॉपर वेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आर्सेनिक रो लिमिट टेस्ट रे को मेथड को यूज करा हो गॉटजेट मेथड ऑस्वाल्ड मेथड आर्हेनियस मेथड कार फिशर मेथड। तो राइट आंसर होउछि आपनर गॉटजेट मेथड ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ड्यू टू टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ड्यू टू कहा पाई AgCl BaCl2 AgNO3 थायोग्लाइकोलेट। तो राइट आंसर होउछि आपनर ऑप्शन फर्स्ट AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेन पेपर इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आर्सेनिक रो लिमिट टेस्ट में को स्टेन पेपर को यूज करा हुई पीएच पेपर कोबाल्ट नाइट्रेट पेपर मर्करी क्लोराइड पेपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो राइट आंसर होउछि आपनकर मर्करी क्लोराइड पेपर ऑप्शन थर्ड होउछि आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स इज कैरीड आउट ऑफ आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल ऑफ इंप्योरिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन मर्क्यूरी सेकेंड ऑप्शन बिस्मूथ थर्ड ऑप्शन कैडमियम फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होउछि आपनकर ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन पोटेशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट अल्कोहल एवं नोन। राइट आंसर होउछि आपनकर अल्कोहल ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन द यूजुअल लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स एस आईपी इंडियन फार्माकोपिया द यूजुअल लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स आईपी 10 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm। तो राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी 20 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लिमिट टेस्ट फॉर आयन इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल कैटायन इज रिमूव बाय इन लिमिट टेस्ट फॉर आयन इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल कैटायन इज रिमूव बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड साइट्रिक एसिड बोथ ए एंड बी एमोनिया सॉल्यूशन। राइट आंसर होउछि आपनर ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल इज इंडिकेटेड बाय आईपी इंडियन फार्माकोपिया लेस देन 2 ppm लेस देन 30 ppm लेस देन 15 ppm मोर देन 35 ppm।
तो राइट आंसर होची आपमोर लेस देन 2 ppm ऑप्शन फर्स्ट होची आपमोर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ को लिमिट टेस्ट रे आपमोर नाइट्रिक एसिड को यूज करा हुए क्लोराइड आयरन आर्सेनिक लीड तो राइट आंसर होची आपमोर क्लोराइड ऑप्शन फर्स्ट होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इज नोन the closeness of two or more measurement to each other is known robustness ruggedness accuracy precision the right answer apnara option precision option 4 hoche right answer। next question limit test for iron purple color due to formation of limit test for iron purple color due to formation of kaha pai ferrous glycolate glycolate ferric glycolate glycolic acid राइट आंसर होची आपनकर फेरस ग्लाइकोलेट ऑप्शन फर्स्ट होची राइट आंसर। वीडियो को आगो को नवा पूर्व कहि रखुसी ये होची आपनकर फाइंडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करंतु संग मन को शेयर करंतु एवं नोटिफिकेशन को देखि ऑल नोटिफिकेशन को मध्य सेट करि नियंतु जाबे नोटिफिकेशन आसीबो इन्फॉर्मेशन आसीबो सर्वप्रथम आपन माने पाई परिबे एवं डिस्क्रिप्शन रे हमर टेलीग्राम चैनल रो लिंक अछि सेहिते मध्य आपन माने जॉइन होइ जानतु जाबे आपनकर वैकेंसी तार ऑफिशियल पीडीएफ आपन माने सेहिथिरु पाई परिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन error due to cause to weight or loss in weight is which type of error error due to cause to weight or loss in weight is which type of error additive error methodology error proportional error एवं constant error तो right answer होची आपनर additive error first option होची right answer। next question find the number of significance figure in 77.08074 find the number of significance figure in 77008074 significance माने देखंतु ये रहउछ आपनर फर्स्ट 77 ये आपनर सिग्निफिकेंट होय 77 रहउछ माने फर्स्ट 7 रो स्टार्ट होउछ एडी 4 रे शेष होउछ आपनर एडी 0 जुरु जदि आपनर स्टार्टिंग होबो से आपनर नॉन सिग्निफिकेंट हे जइबो तो जे आपनर फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होउछ 77.08074 आपनर केते होउछ 1 2 3 4 5 6 7 तो फर्स्ट ऑप्शन होउछ आपनर राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन presence of interfering contaminants in the sample presence of interfering contaminants in the sample non systemic error reagent error proportional error constant error the right answer is proportional error option 3 right answer। next question how many significance figure are there in 900 koi rakhichi 0 jodi starting our leading 0 tale se apan non significant e dekhantu apan 9 ro start ho se 900 mane kete ho se 1 2 3 to right answer ho se apan option 3 3। next question how many significant figures are there in 0.005000 e apan jo ro se how many significant figure are there in 0.005000 koi rakhichi jodi leading 0 ro apan start ho se tale apan se non significant to apan kete hobo ए 3टी जीरो को अपन छाड़ी देबे 5 रु स्टार्टिंग करिवे 1 2 3 4 तो अपन को केते हबो ऑप्शन फर्स्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 433.00 केते हबो अपन को अपन माने आपको कमेंट करंतु केते हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 42306 एवं 0.0007 या को मध्ये अपन कमेंट करिक कहबे अपन को केते सिग्निफिकेंस होची को ऑप्शन अपन राइट हबो 4554 5155 मो आपन को बुझाई दी छि केमिति करिवे कोडा सिग्निफिकेंट कोडा नॉन सिग्निफिकेंट तो आपन आकु कहिबे एहर पूर्व एमसीक्यू एवं ए एमसीक्यू आपन को कोन सटिंग आंसर होउ छि को ऑप्शन होउ छि आपन माने कमेंट माध्यम रे निश्चित जानंतु। तो ये रहउ छि आपन को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वीडियो नंबर 16 रो 25 एमसीक्यू एमसीक्यू सो आपन को केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चित जानेबे। यदि वीडियो टि भल लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भुलिबेनी।